क्या कर रहा है भाई, टीटी आ जाएगा। कौन है, मिल गया ट्रेन का। कर क्या रहे हो भाई तुम, ये कर लो। हाँ ये कर लो पहले। अबे भाई यार पेट तो कम से कम यार। ये बंदा मेरे से बोल रहा था कि तू जल्दी सोता नहीं है, जल्दी उठता नहीं है और तू लेट कराएगा, ये देख। तो कैसे हो मेरे व्लॉग्स के चाहने वालों, तो बात कुछ ऐसी है, समर वेकेशन यानी छुट्टियों का सीजन है और मेरे कुछ दोस्त इंदौर आए हुए थे जिनके साथ हमारा प्लान बनता है उज्जैन महाकालेश्वर जाने का। तो जैसे तैसे हम तैयार होते हैं और इतने में हमारी कैब आ जाती है और हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। कंटेंट देखते तेरे चाहने वाले कितने मिलते हैं मुझे वहाँ। मिलेगी शर्त नहीं सर, हवा निकल गई। शर्त लगा ले, तेरे चाहने वाले एक भी नहीं मिलेंगे आज उज्जैन में। लगी जो तुझे पहचान जाए। ये भगवान क्या जुलूम है। हेलो गाइस, ये है अमित आईटी खड़गपुर, हमारा प्यारा कंटेंट। माई सेल्फ पवन पाटिल, इसको तो जानते ही होगे और ये भी जानते होगे, मैं दिलीप पटेल फ्रॉम पतझड़ ब्रांच। मतलब कहना चाहते हैं मैकेनिकल से। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कहाँ जा रहे हैं हम। महाकालेश्वर। हाँ कितनी बार जा चुके हैं पर फिर भी जाएंगे। विराट कोहली गया था सेंचुरीज के लिए, उससे सेंचुरीज मिली। अपन जा रहे हैं छोरियों के लिए, अपने छोरियां मिलनी चाहिए। हरामी हूँ, हमें विश्वास है हमारे महाकाल पे, उन्हें उनकी पार्वती मिली है तो हमें भी हमारी राधा जरूर। फिर बीच में कैब रुकवा कर आईटी पार्क से हमारे एक और दोस्त को बैठा लेते हैं। कंटेंट डांस करेंगे, गाना चाहिए भाई। छमिया हमारी नाचेगी आज, आज हमारी छमिया खुल के नाचेगी, लाउड करो भाई। अच्छा अच्छा ये बता, ये टीका क्यों लगाता है भाई। टीका सनातनियों की पहचान होती है भाई। अच्छा। मैंने सुना जो है ना, टीका लगा था कांड ज्यादा वही करता है। ऑडियंस को दिखता है मेरे अंदर भाई, हरामी। हम टाइम से रेलवे स्टेशन पहुंच तो जाते हैं, फिर टिकट कटाकर जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि ट्रेन तो आई नहीं है। इतने में हमारे एक और दोस्त आ जाता है। ब्लॉग में इंट्रोड्यूस करा देते हैं, राठौड़ आईटी खड़गपुर। थोड़ी ही देर में वहां ट्रेन आती हुई दिखाई देती है, पर इसके हाल तो मेरे दोस्तों जैसे थे, सिंगल। पर कंटेंट हमें बताता है कि जिस ट्रेन को हम 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी खड़ी हुई है। पर हम भाग कर ट्रेन पकड़ते हैं। खाली है, पूरी खाली है। एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, जब ट्रेन खड़ी थी तो अपन ऊपर क्या कर रहे थे भाई। अरे तो भाई वहाँ पता नहीं था, उस पे लिखा था 6 पे है और इस पे 5 बता रहा था। ट्रेन में अंदर जाकर देखा तो ट्रेन पूरी तरीके से खाली थी, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। फिर एक केबिन में बैठकर हम लोग कंटेंट के मामा जी के घर से लाया खाना खाना स्टार्ट करते हैं। अब सब्जी को देखने से वो पत्ता गोभी की लग रही थी, पर असलियत में वो पापड़ की सब्जी थी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पर वहीं बैठे बैठे मैंने इंडियन रेलवे के कुछ गुप्त फीचर्स का पता लगाया। तो सुनो, इंडियन रेलवे के कुछ ऐसे गुप्त फीचर है जो मतलब किसी को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। जैसे आदमी है ना स्लीपर, बस स्लीपर है, आदमी सो रहा है, अब उसको उठना है, इसको खींच देगा तो अलार्म बज जाएगा, आदमी उठ जाएगा, ठीक है। हमारी ब्रांच अगर मैकेनिकल है, उसको CS में बदलना है, CS। और अगर तुम मेरे फैन बनना चाहते हो ना इनकी तरह, ये तीनों बटन दबा दो। क्या सोच है रे तेरी। कुछ देर बाद ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर रुकी, जिसका नाम तो बड़ा ही अजीब सा था, मैं बताता हूँ। चल मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, एक गाना बताना, ठीक है। वर्ड है पालिया। पालिया है प्यार तेरा। वाह वाह वाह। अब टाइम पास नहीं हो रहा होता तो हम ट्रेन का पोस्टमार्टम करना शुरू कर देते हैं। करो पोस्टमार्टम, करो। है कुछ रखा है? ए, कुछ कुछ है, कुछ है, कुछ है। क्या कर रहा है भाई, टीटी आ जाएगा, देखना। कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब? कुछ नहीं है। कोई कौन है, मिल गया ट्रेन का। बस करता हूँ। नहीं है। करीब 1.5 घंटे बाद हम पहुंच जाते हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही हमारे पीछे ऑटो वाले भैया वैसे ही भागते हैं जैसे इलेक्शन के टाइम वोटरों के पीछे नेता, कि भैया कहाँ चलोगे कहाँ चलोगे। भैया मैं तो कह रहा हूँ उसके दिल में ले चलो। रहा नहीं जाता। पैदल चलते चलते हमें भूख लग जाती है और हमारा मन कर जाता है कुछ पीने का। तो बीइंग अ टी लवर मुझे चाय पीनी थी, पर मेजोरिटी गन्ने का जूस पीना पसंद करती है, तो मुझे चाय का बलिदान देना पड़ता है। कुछ देर बाद जूस रेडी हो जाता है, जैसे सर्व करती है हमारी प्यारी गोपी बहू AKA कंटेंट। अरे दिलीप बेटा, बहू कैसी लगी? सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन। फिर एक ई रिक्शा पकड़कर हम लोग निकल जाते हैं मंदिर की। क्यों उधर याद हो तुमको? कौन लड़की जल जला दी तुम्हें पीछे? पता नहीं कौन मुझे भोले समझ गया। मेरे भोले से भोले बाबा। फिर एक लोकल दुकान पर हम हमारे जूते चप्पल जमा करवा कर उसी दुकान से पूजा का सामान खरीदते हैं। ये इतने 150 का है और ये रख ले।
150 का है ये। अब मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था और मोबाइल ऑन पाए जाने पर 200 रुपए का फाइन भी था। पर अपने मोबाइल की जान पर खेलकर मैं थोड़ी बहुत फुटेज ले लेता हूँ। तो दिलीप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पीछे अपना कैरियर है? हमारा कैरियर हमारे पीछे पड़ा है, देख रहे हो? नहीं, कबाड़ा है करियर। कुछ भी। मंदिर से वापस आकर हमें बहुत भूख लग जाती है, तो हम एक सस्ते से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। इनकी सब्जी में इतना तेल था कि उसे देखकर मेरा बिना बात का बीपी बढ़ गया। दिलीप, कोलेस्ट्रॉल लेगा? कोलेस्ट्रॉल। पर चुपके से मैं तेल को नीचे गिराकर जैसे तैसे खाना खत्म करके बाहर आया, मुझे हमारा पहला सब्सक्राइबर मिल गया। हेलो ब्रो। चलो भाई, एक शर्त लगाई थी यार हम लोगों ने, किसी ने नहीं पहचाना भाई। हमने शर्त लगाई थी कि कोई भी सब्सक्राइबर मिले तो मैं तेरे को पार्टी दूंगा। मैंने इनको पहचाना, फिर इनको पहचाना, ये दोनों फिर आते ना। कुछ देर बाद हमारे एक और परम मित्र जगदीश भेजे जाते हैं, जो मुझसे पार्टी की डिमांड करते हैं। तो फिर एक मिठाई की दुकान से मैं उन्हें रबड़ी दिलाता हूँ, पर इसे देखकर बाकी लोगों की रबड़ी की डिमांड पूरी करनी पड़ जाती है। फिर मैं मेरी रबड़ी खत्म करके दूसरों की रबड़ी पर टूट पड़ता हूँ। भाई बस टेस्ट कर रहा हूं पवन। अरे मत कर रहा हूं, टेस्ट तो करने दे यार। अब फिर बारी आती है उज्जैन से विदा लेने की। तो फिर यहाँ सबसे अलविदा कहकर मैं 15 मिनट में स्टेशन पहुँच जाता हूँ, जहाँ ट्रेन बस निकलने ही वाली होती है। फिर हम इतनी तेज भागते हैं जैसे ट्रेन में हमारी सिमरन जा रही है। अबे साइड से चलना। बट एट द एंड हमें ट्रेन मिल जाती है और ट्रेन में सीट भी मिल जाती है, जिसके बाद हम इंदौर आ जाते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।